तो आज की वीडियो में आप लोग देख रहे हैं उल्लू की नई वेब सीरीज चरम सुख जाने अनजाने में 4 पार्ट 1। तो जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है, हमेशा की तरह चांदनी अपने ससुर जी के साथ भरपूर रोमांस करती हुई दिखाई जाती है। और रात को डिनर करने के दौरान चांदनी का पति अपने बाबूजी को बताता है कि बाबूजी, हमारे बड़े भाई साहब का लड़का हमारे घर पर रहने के लिए आ रहा है, क्योंकि इसने पास के कॉलेज में एडमिशन लिया है। इस खबर को सुनकर बाबूजी थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये लड़का मेरे और चांदनी के कार्यक्रम के बीच में बांधा बन सकता है। अब चांदनी का भतीजा सचिन घर पर आ जाता है, ये अपनी चाची के चरण छूता है और बाबूजी का दिमाग खराब हो जाता है। फिर ये इनके साथ बैठकर थोड़ी बहुत बातें करता है। अब चांदनी कमरे में झाड़ू लगा रही होती है, फिर बाबूजी कमरे में आकर हमेशा की तरह चांदनी के साथ फिर से जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। चांदनी बाबूजी को बताती है कि बाबूजी, मुझको झाड़ू लगाने दो, बाहर सचिन सो रहा है, उसको हमारी हरकतों के बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ पर चांदनी बाबूजी को गर्म करके छोड़ के ही चली जाती है। फिर बाबूजी अपने आप को ठंडा करने के लिए बाथरूम में आकर हाथ से ही काम चला लेते हैं। अब अगली सुबह सचिन कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता तो इसकी चाची से इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तो सचिन अपनी चाची को बताता है कि चाची, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं सबसे पहले उसके बारे में तुमको बताऊंगा। फिर सचिन कॉलेज के लिए निकल जाता। अब रास्ते में सचिन के पास इसके एक खास दोस्त की कॉल आती है। वो इसको बताता है कि आज हम कॉलेज से बंक मारने वाले हैं, क्योंकि आज हम क्लब जा रहे हैं। इस बात को सुनकर सचिन काफी खुश होता है और अपने दोस्त को बताता है कि मैं बस कपड़े चेंज करके अभी आया। अब सचिन घर पर आ जाता है, इसको कमरे से कुछ सेक्सी आवाजें सुनाई देती हैं। और जब ये कमरे में चोरी छुपे झांक कर देखता है तो बाबूजी चांदनी को पेल रहे होते हैं, जिस सीन को देखकर सचिन चौंक जाता है। और यहाँ पर ये अपने मोबाइल में इनका वीडियो भी बना लेता है। और इस वेब सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो क्या होगा अगले इसके पार्ट 2 में, क्या सचिन अपनी चाची को पेल पाता है या नहीं, जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो वेट करें इसके अगले पार्ट 2 का, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।